Aquí. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यार बहुत बहुत सॉरी, मैं आजकल वीडियो चढ़ा नहीं पा रहा हूँ। यार मेरे पास बिल्कुल समय हो नहीं पा रहा। पता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जब भी आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं प्रॉपर एक अच्छी वीडियो बनाऊँ। मतलब ऐसा नहीं कि यार कुछ भी चढ़ा दो। मतलब मैं अपने चैनल में कोई कूड़ा करकट नहीं चढ़ाना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो चढ़ा दूँ जिससे आपको लगे कि हाँ यार आज हमने वीडियो में कुछ नया देखा या नया कुछ भी नया देखा। तो और यार मेरे पास टाइम हो नहीं रहा। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ। मैं घर आता हूँ, पढ़ता हूँ, असाइनमेंट, रोज़ का जैसे स्कूल होता है ना वैसे ही मेरा कॉलेज चल रहा है। अब आप बताइए कि मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ। अगर आपने बता दिया तो यार बहुत अच्छी बात है। अगर आपने बता दिया, हो सकता है कि शायद आप भी वही चीज़ पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, तो आप नीचे बता दीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया यार, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब हमारे कार व्लॉगर फैमिली में और नए मेंबर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने सीएट के ही टायर क्यों लिए। मतलब मैं किसी और के भी ले सकता था, जैसे MRF वगैरह किसी के भी, तो मैंने सिर्फ सीएट के क्यों लिए। और मैं इस वीडियो में हमारे कुछ व्यूवर्स ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनको उनके कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आप मेरा नया वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने उनके आंसर इसी में दे रखे हैं। तो अब ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैंने आपके जो मेन क्वेश्चन है उनके जवाब मैं इसी वीडियो में दे दूं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मैंने सिर्फ सीएट के टायर क्यों लिए। तो मैं पहले आपको दिखाता हूं कि मेरे पुराने TVS के टायर के संग क्या हुआ। तो मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे ये TVS के टायर हैं पीछे वाला। तो आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे देखिए एक ये पंचर हो रखा है। मतलब पिछले एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते से कम के समय में मैंने टोटल 6 पंचर सही करवाए हैं। मतलब टायर की हालत आप देख सकते हैं, ये ग्रिप उसकी पूरी ख़त्म हो गई, ये रहा पंचर और ये पूरा ये टायर यहाँ से घिस चुका है पूरा, ये नीचे। अगर मैं इसका आपको अंदर की कंडीशन दिखाऊँ, अंदर भी पूरा टायर कट चुका है। मतलब ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, मतलब आपको दिख रहा है कि एकदम टायर कट चुका है अंदर। ये मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से टायर बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। ये देखिए, ये देख रहा है आपको, ये पंचर की वजह से। अगर इसका आउट ऑफ फोकस अगर सेट हो जाए, ये देखिए पूरा टायर यहाँ से कटा हुआ है और ये देखिए पंचर लगा हुआ है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टायर TVS का है। ये इसका, अगर ये मैं एक मिनट सीधा करता हूँ इसे, ये देखिए। और ये स्कूटी को भी मेरे 2 साल हुए है। ये समझ में नहीं आता यार, ये TVS वाले पता नहीं किस हिसाब का टायर लगाते हैं। अभी 2 साल हुआ नहीं है गाड़ी को, मतलब हो चुका है अभी कुछ समय पहले ही हुआ है 2 साल। इतनी जल्दी इनका टायर घिस गया, अंदर से कट गया, सिर्फ कुछ पंचरों में ही। अभी बस हाल ही में इसके मतलब 3-4 पंचर एक साथ ही हो जा रहे थे। एक दिन तो मैंने 3 पंचर सही करवाए इस वाले टायर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्कूटी अभी तक चली कितनी है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं यार, मैंने सिर्फ स्कूटी अभी 14,212 ही किलोमीटर चलाई है और इसका टायर बोल पड़ा है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको इसका आगे का टायर दिखाऊं तो इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ग्रिप एकदम, अभी भी टायर मतलब 2 साल बाद एकदम ऐसा है जैसे अभी तक ब्रांड नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नया टायर C8 का लगाया। तो अगर आप पीछे चले इस गाड़ी के, ये देखिए ये नया टायर, ये है C8 की ब्रांडिंग। दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, ये देखिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने सिर्फ C8 का ही टायर क्यों लगाया। ये देखिए इसकी ग्रिप अभी तक तो अच्छी चल रही है। मैंने आज दिन भर चला के देखा इस टायर को, ग्रिप तो अच्छी है अभी। अब देखें इसको कुछ समय चला के देखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी ग्रिप कैसी है, क्या मतलब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मतलब ग्रिप तो अभी तक तो अच्छी है और अभी अच्छा ही काम कर रहा है, अभी तो एक ही दिन हुआ है फिलहाल, देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं यार, पता नहीं यार TVS ने पता नहीं अपनी कैसी कंपनी के टायर चढ़ाए हैं, मुझे नहीं पता। मतलब मैं कुछ बोलूँगा आधे लोग कमेंट करने लग जाएंगे। और हाँ, ये स्पॉन्सर नहीं है, मतलब आधे लोग तो बस कंप्यूटर में बस बैठे रहते हैं और कुछ भी लिखते रहते हैं कि भैया यार इसने तो पैसे ले रखे हैं C8 वालों से, तब इसने C8 के वो डलवाए हैं। तो यार मतलब अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपको C8 टायर के बारे में, मतलब जो भी उसकी कंडीशन रहती है, क्योंकि मैं रोज ही कॉलेज स्कूटी से जाता हूँ, लगभग आने जाना मिला के मेरा हो जाता है लगभग 65 किलोमीटर में रोज़ चलाता हूँ। तो मैं आपको बता पाऊँगा कि इसमें एक्चुअल में मतलब इसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो थोड़ा पहाड़ी इलाके में है। तो अब उसकी अच्छी खासी टेस्टिंग तो हो ही जाएगी, उसका मतलब जो रोड है वो थोड़ी ख़राब ही है। तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास स्कूटी है, तो आप अगर आप C8 नए टायर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं,
तो आपको सीएट का टायर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो मैं आपको वही बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मैंने क्यों लगाया, मतलब हुआ क्या था। दोस्तों मैं कल जब मैं कॉलेज से आ रहा था तो टायर पंचर हो गया था। तो हुआ क्या, मतलब मैं जब आ रहा था मेरे को अचानक से टायर की बहुत जोर की आवाज़ आने लगी। तो मैंने नीचे देखा तो यार टायर एकदम पूरा फ्लैट हो चुका था। अब मैंने बोला यार अभी तो मतलब पंचर की कोई भी दुकान 3-4 किलोमीटर से पहले तो कहीं है ही नहीं। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके मतलब 10-20 की स्पीड में करते करते मैं स्कूटी को धीरे धीरे मैं पंचर की दुकान में लेकर आया। तो वहाँ मैंने देखा 2 पंचर निकले हुए थे। तो अब उसने बोला कि भैया इसमें तो यार ऐसे करो आप ट्यूब डलवा लो। तो मैंने बोला भैया मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं। तो उसने काम चलाने के लिए उसमें 2 पंचर तो सही कर दिए। फिर उसके बाद में शाम को जब मैं 7-7:30 बजे तक मैं घर पहुँचा तो मैंने सोचा एक बार यार से मैं जो हमारे पहचान के एक भैया हैं, मतलब मैं हमेशा पंचर उन्हीं के वहाँ से सही करवाता हूँ, तो मैं उनके वहाँ ले गया। तो उन्होंने जब टायर खोल के देखा तो मैंने बोला भैया आप इसमें ट्यूब डाल दो क्योंकि खाली बेकार, क्योंकि पिछले मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया कि पिछले 1 हफ्ते में मैंने 6 पंचर सही करवाए हैं। तो मैंने बोला भाई यार रोज़ कॉलेज में जाते समय अगर ये प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूँगा, मतलब कॉलेज के लिए मैं लेट हो जाऊँगा, वहाँ पर गेट वेट तो बंद जाएंगे। सॉरी दोस्तों अगर आपको ये नॉइस आ रही हो, तो यार बाहर से आवाज़ आ रही है। तो भैया ने जब टायर खोल के देखा तो अंदर से टायर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। उन्होंने बोला कि यार मैं अगर कोई छोटा मोटा भी कुछ घुस जाएगा तो आपको पता ही होगा यार ट्यूब वाले जो वो होते हैं टायर उनमें कितनी जल्दी पंचर होता, तो मतलब सीधा आपका बैलेंस ख़राब होगा। तो उन्होंने बोला भैया आप ऐसा करो मेरे साथ तो आप टायर लगा लो। तो मैंने पूछा भैया आपके पास टायर कौन सी कंपनी का है, क्योंकि मैंने MRF के टायर तो मैंने चला ही रखे हैं। तो उन्होंने बोला भैया मेरे पास हम सिर्फ C8 का काम करते हैं। तो अब मेरे पास मजबूरी थी यार उस समय, क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब जो मेरा इलाका है वो उधर ठंडी ज़्यादा होती है, मतलब मैं थोड़े नॉर्थ की तरफ को रहता हूँ तो वहाँ पे दुकानें टाइम से बंद हो जाती हैं। अब वो लगभग टाइम हो ही गया था, अब मेरे पास मजबूरी थी तो मैंने सिर्फ C8 का टायर ही लगाना पड़ गया मुझे। तो मैं आपको टाइम से बता दूंगा कि भाई उसकी क्या क्या कंडीशन है। सी बात है रोज़ ही गाड़ी चलाते हो यार, कभी ना कभी तो टायर होंगे, तो आपको C8 के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमारे कुछ व्यूवर्स ने उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं उनके एक एक करके जवाब दे देता हूँ। हम 2-3 जनों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि एलिट I20 या बलिनो। दोस्तों अगर हम दोनों गाड़ी के ऊपर बात करें तो दोनों गाड़ियों में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, पावर वगैरह के मामले में लगभग दोनों ही सेम है, पेट्रोल और डीजल वेरियंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो फ़र्क है डिज़ाइन और इंफोटेनमेंट, मतलब इन्हीं सब चीज़ों का फ़र्क है। तो मेरे मतलब जो मेरा ओपिनियन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इस आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। तो मैंने उसमें कोशिश की कि मैं आपको कम से कम समय में मेन पॉइंट बताऊं ताकि मतलब आपको उनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपको उसमें प्रॉपर आइडिया मिल जाए, और मेरे को किसी भी कंपनी से कोई पर्सनली मुझे कोई दुश्मनी है नहीं। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं सिर्फ उसी के बारे में बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी नहीं लगी उसके बारे में फालतू बता के टाइम क्या वेस्ट करूँ। वरना आप और भी रिव्यू चैनल देख सकते हैं, वहाँ पे तो यार लंबी बातें करते थे, पता नहीं ऐसा बोलते हैं टुडे वी हैव दिस सेंसेशन ऑफ दिस सेंचुरी। अरे भैया आसान भाषा में बताओ कि लोगों को क्या लेना चाहिए, क्यों बातें घुमा रहे हो, तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन हाँ अगर आप इन दोनों में कोई खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से तो आप बलिनो लीजिए, उसमें आपको मतलब फीचर के मामले में थोड़ा सही मिल जाएगा एलिट I20 के मुकाबले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे 2 व्यूवर्स ने मतलब डिमांड किए कि टाटा सफारी स्टॉर्म और महिंद्रा की स्कॉर्पियो के बीच में कंपैरिजन वीडियो। तो यार मैंने स्कॉर्पियो तो मैंने चला रखी है लेकिन मैंने टाटा सफारी स्टॉर्म नहीं चला रखी, तो मैं जब तक चला नहीं लूँगा तब तक मैं आपको उसके बीच में प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो दे ही नहीं पाऊँगा। तो मतलब मेरी जो कंपैरिजन वीडियो होती है मैंने गाड़ियाँ चला रखी होती है, तो मैं आपको उसके मतलब जब मैं चला लूँगा तो तभी मैं आपको उसका कंपैरिजन वीडियो दे पाऊँगा। अब हम बात करें, हमारे एक और व्यूवर ने हमसे पूछा है कि ग्रैंड I10 वर्सेस स्विफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो यार मैंने स्विफ्ट मैंने पेट्रोल डीजल दोनों में चला रखी है, लेकिन मैंने ग्रैंड I10 अभी जैसा आपको पता है यार अभी सडनली लॉन्च हुई है आपकी ग्रैंड I10, तो यार मैं जब उसे चला लूँगा तो मैं तब उसके बाद मैं आपके लिए उसके ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो बना पाऊँगा। तो यार जब तो मैंने चलाऊँगा नहीं तब तो मैं आपको मैं ऐसी हवा में मैं बता नहीं सकता, तो यार उसके लिए सॉरी थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए उसमें चढ़ा दूंगा। अब हम बात करें, हमारे एक और व्यूवर्स ने हम मतलब डिमांड की है तो वो वीडियो शायद आपको इस सैटरडे संडे मिल जाए। उन्होंने बोला है कि ABS, EBD और पैडल शिफ्टर, तो मैं उसकी वीडियो भी मैं पैडल शिफ्टर की शायद मैं सबसे पहले निकालूँ। अगर आपको जाना तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप नए व्यूवर हो तो मैं टाइम से पैडल शिफ्टर के ऊपर मैं एक वीडियो चढ़ा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैं आपको वो वीडियो में पैडल शिफ्टर के बारे में बता सकूँ, तो वो शायद इस सैटरडे संडे आ जाएगी। सॉरी दोस्तों मैं कोई प्रॉपर व्लॉगर तो हूँ नहीं, मतलब मैंने अपने तरफ से मतलब ऐसी मैं अभी कॉलेज से आया था तो मैंने सोचा कि यार बहुत समय से मैंने कोई वीडियो चढ़ाई नहीं है तो मैंने सोचा एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। मैं कोई प्रॉपर तो हूँ नहीं तो यार उसके लिए सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप नए
क्या हो गया, सॉरी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो यार डिसलाइक कर दीजिए। तो और साथ में एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों करा है, ताकि मुझे पता तो चले कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, ताकि मैं उस चीज़ को सही करूँ। क्योंकि देखो आपकी कोई मेरी पर्सनली तो दुश्मनी है नहीं, तो आपने अगर डिसलाइक किया तो आपको यार कुछ तो बुरा लगा हो, तो मुझे बता दीजिएगा वीडियो मतलब कमेंट में, ताकि मैं उस चीज़ को सही कर सकूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी वीडियो कोई नई चढ़ा दूँ। थैंक यू।